नमस्कार दोस्तों, आज हम अभिमन्यु के बारे में जानेंगे। हाँ, अभिमन्यु के बारे में। भारतवर्ष के प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथा महाभारत के एक प्रमुख पात्र अभिमन्यु, कुरुकुल के राजा व पांडवों में से अर्जुन तथा यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। श्री कृष्ण और बलराम जी उनके मामा और गुरु थे। विराट नरेश की पुत्री राजकुमारी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनके पुत्र परीक्षित ने संपूर्ण भारत वर्ष में चक्रवर्ती नरेश के रूप में शासन किया था। कथा में उनका छल और अधर्म द्वारा अंत बताया गया है, परंतु अभिमन्यु जैसी ख्याति किसी भी अन्य महाभारत योद्धा को नहीं मिल सकी। अभिमन्यु महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक है तथा सबसे कम आयु के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हराना असंभव माना जाता था। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में जिस दिन ये महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। अभिमन्यु को चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। ऐसी धारणा है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतारों के रूप में धरती पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि उनके पुत्र का वियोग वे सह नहीं सकते। अंततः उनके पुत्र को मानव योनि में मात्र 16 वर्ष की आयु दी गई। एक कथा के अनुसार अभिमन्यु अपनी माता की कोख में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में सो जाने की वजह से चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि नहीं सुन पाए थे। जैसे ही अर्जुन ने चक्रव्यूह से जीवित और सुरक्षित बाहर निकलने का तरीका बताना शुरू किया, तभी सुभद्रा को नींद आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण तुरंत ही अर्जुन को चर्चा के लिए ले गए और अर्जुन कभी भी शांति काल में उस कथा को पूरा नहीं कर पाए। तो प्रभावी रूप से ब्रह्मांड में केवल 2 लोग ही जानते थे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, जिसे बनाने में गुरु द्रोणाचार्य विशेषज्ञ थे। अभिमन्यु ने इनका केवल प्रवेश भाग ही सुना और आत्मसात किया। पलायन का महत्वपूर्ण भाग उसे पता ही नहीं था। अब द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष में लड़ रहे थे और चक्रव्यूह का खेलना निश्चित था। अभिमन्यु 16 वर्ष का था। भगवान कृष्ण जानते थे कि आगे कुछ व्यवहारिक निर्णय और विकल्प होंगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जानबूझकर अर्जुन और सुभद्रा के बीच की बातचीत में बाधा डाली थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध का 13वां दिन समाप्त हो जाता है। द्रोणाचार्य ने युद्ध के मैदान में ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण को समसप्तकों का पीछा करते हुए युद्ध के मैदान के दूसरे दूर के हिस्से में ले जाया गया। दूसरी ओर चक्रव्यूह की संरचना इतनी घातक हो गई कि पूरी पांडव सेना को निगलने का खतरा पैदा हो गया। पांडवों ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को भेजने का फैसला कर लिया और कुरु शक्ति से मुकाबला करने का निर्णय ले लिया। अब अभिमन्यु को अपनी माँ के गर्भ से ही पता था कि मकरव्यूह, कर्मव्यूह, सर्पव्यूह आदि जैसे विभिन्न प्रकार के चक्रव्यूहों को कैसे भेदना है, और तदनुसार उसने प्रभावशाली तरीके से संरचना को तोड़ना शुरू कर दिया। तब सिंध के एक दुष्ट राजा जयद्रथ ने पांडवों को दूर रखने के लिए अभिमन्यु के पीछे का रास्ता प्रभावी ढंग से अवरूढ़ कर दिया। अभिमन्यु ने कौरव सेना का भारी विनाश किया। द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण ने तीर चलाया, जिससे अभिमन्यु का धनुष टूट पड़ा। तभी उसने उस पर पीछे से हमला कर दिया। उसका सारथी मारा गया, उसके रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। अभिमन्यु के हाथ में केवल तलवार थी और उसने अपनी टूटी हुई गाड़ी को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। अब सभी कौरव अपनी पूरी ताकत से उस पर टूट पड़े। अंत में अभिमन्यु की निर्मम हत्या कर दी गई। अभिमन्यु की मृत्यु उसके पिता अर्जुन के लिए इतना भयानक सदमा था कि अपने पुत्र की क्रूर मृत्यु से क्रोधित होकर अर्जुन ने अपने दिव्य बाण से जयद्रथ को मार डाला। भगवान कृष्ण पहले से ही जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ के रूप में काम करेगी और इससे माहौल पांडवों के पक्ष में बदल जाएगा। उस समय तक पांडवों ने युद्ध की सभी नैतिकताओं का पालन किया था और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया था।
अभिमन्यु को धोखे से और सबसे जघन्य तरीके से मारकर कौरवों ने युद्ध की नैतिकता और संहिता का एक बड़ा उल्लंघन किया जो सभी योद्धाओं पर निर्भर था। अब पांडवों की ओर से बदला लेने की भूख से प्रेरित अर्जुन और पांडवों ने हर उस दुष्ट व्यक्ति को खत्म कर दिया जिसने अभिमन्यु को निशाना बनाया था। तो ये थी अभिमन्यु की कहानी। अगले हफ्ते हम इसी समय पर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए ड्राइंग के साथ।